हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, बालों को काला करने के लिए आप तरह तरह की रेमेडीज इस्तेमाल करते हो। कई वर्क करती है और कईयों की वर्क नहीं करती, कईयों में बहुत टाइम लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, हर किसी की बालों की क्वालिटी अलग होती है, फेस की क्वालिटी अलग होती है, सबका रहन सहन का तरीका अलग होता है। तो उसी हिसाब से आपके बालों के ऊपर भी ये रेमेडी वर्क करती है। बाल आपकी बॉडी, आपके फेस, आपकी स्किन, सबके ऊपर ये थोड़ा टाइम लगाते ही है, लेकिन ये वर्क करती है। तो आज की जो मैं आपको वीडियो शेयर करने लगी हूँ, इसको आप पूरा देखिएगा लास्ट तक, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए, स्किप ना हो। क्योंकि आप कई बार स्किप कर देते हो और फिर मेरे से पूछते हो कि कुलजीत, आपने इसमें क्या डाला था, क्या इंग्रेडिएंट यूज़ किया, कितने टाइम तक अप्लाई करना है। तो ये बात का आप ध्यान रखा कीजिए, ताकि आपको प्रॉपर समझ आए। तो पूरा देखिए बिना स्किप किए। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगेगी, भर भर के शेयर कीजिएगा, ताकि और सबकी भी हेल्प हो जाए। और मुझे भी दिल से बहुत ही अच्छा लगता है जब आप शेयर करते हो। एक एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ जी, एक बात और, मैं आपके साथ एक टिप्स भी शेयर करूंगी, जो कि वीडियो के बीच में या लास्ट में हो सकता है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे। अब आपने इसमें डालना है, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था जिससे कि ये पाउडर फॉर्म में हो जाए। ग्राइंड करने के बाद आप स्ट्रेन कर भी सकते हो या फिर सिंपली ऐसे भी डाल सकते हो। इसके बाद हमने डालना है इसमें ब्लैक हीना। देखिए, एक नॉर्मल नेचुरल हीना आता है, एक आता है नेचुरल ब्लैक हीना, यह आपको ऑनलाइन ईजिली मिल जाएगा। तो ये आपने डाल देना है, क्वान्टिटी अपने हिसाब से रख सकते हो कम या ज़्यादा। तो इसके बाद आपने डालना है कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर से हमारे बालों में शाइन तो आती ही आती है, साथ ही साथ सिल्की शाइनी स्मूथ होते हैं। कैफीन जो होता है, ये हमारे बालों को बहुत ही प्यारा कलर देता है, स्मूथ करता है हमारे बालों को। तो इसकी अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी रखोगे तो ये ज़्यादा असर करेगा। तो इसके बाद अब आपने आंवला पाउडर डालना है। हम इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं ना दोस्तों, सारे नेचुरल है और बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि हाँ ये एक ही बार में वर्क करेंगे, बट हाँ इसका वर्क आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो इनको डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर देना है, जो हल्का हल्का लम्ब्स रह जाता है ना वो नहीं रहेगा। तो ये डालने के बाद अब आपने इसमें डालना है भृंगराज पाउडर 1 टीस्पून। ये भी डाल के आप मिक्स कर दीजिए। देखिए हल्का हल्का लम्ब्स है, इसको आप स्पून की हेल्प से इस तरह से तोड़ते जाइएगा, जिससे कि बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको मिक्स करते हुए। इसको डालने के बाद आपने इसमें डालना है अजवाइन फ्रूट पाउडर। जी हाँ, अजवाइन जो फ्रूट पाउडर होता है, ये डीपली क्लीन करता है, स्ट्रॉन्ग करता है हमारी रूट्स को, आपके बालों को ब्लैक बनाता है जड़ से। ये ऑनलाइन ईजिली मिल जाता है, नियर बाई शॉप से भी आप पता कर सकते हो। इसके बाद हमने डालना है कोकोआ पाउडर। ये जो होता है ना दोस्तों, बालों को बहुत ही प्यारा कलर देता है, डार्क एंड डार्क आते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके बाल डार्क हैं तो लास्ट की टिप्स जो फॉलो कीजिएगा। इसके बाद इसको हमें लिक्विड फॉर्म में करना है, आप चाहो तो ऑयलिंग कर सकते हो, ऑयल डाल करके चाय पत्ती का पानी डाल सकते हो इसमें। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आंवला जूस। आंवला पाउडर तो डाला ही था मैंने, आप अगर आपके पास आंवला पाउडर है और जूस है तो दोनों डाल दीजिए, अगर नहीं है तो सिर्फ पाउडर भी डाल सकते हो, फ्रेश है तो फ्रेश भी डाल सकते हो। तो इसको डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, ताकि इसमें कोई भी लम्ब्स ना रहने पाए और हमारा स्मूथ पेस्ट रेडी हो जाए। ध्यान रखिएगा ज़्यादा रिंस ही ना हो, हमारे बालों से टपके नहीं, प्रॉपर लग जाए ये। इसके बाद अब आपने इसमें डालना है एलोवेरा जेल। आप मार्केट वाला भी डाल सकते हो और फ्रेश भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने मार्केट वाला ही डाला है, तो इसको डाल दीजिए, अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। अब नेक्स्ट जो चीज़ है, इसमें आपने डालना है विटामिन ई ऑयल। आपके पास कोकोनट ऑयल है वो भी डाल सकते हो, विटामिन ई भी ऑयल डाल सकते हो। इससे क्या होगा दोस्तों, अगर कोई भी पैक लगाने के बाद आपके हेयर ड्राई हो जाते हैं तो ये डालिए, इससे आपके हेयर ड्राई नहीं होंगे, स्मूथ रहेंगे और आपके बालों को नरिशमेंट भी मिल जाएगा। तो आप ये डाल सकते हो, मेरे पास हेयर सीरम है ये डाल दिया है मैंने। आपके पास विटामिन ई है या फिर कोकोनट ऑयल है तो वो भी डाल सकते हो, मस्टर्ड ऑयल भी डाल सकते हो। तो इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो ये देखिए हमारा पेस्ट रेडी है। अब आपने क्या करना है, सिंपली अपने बालों पर लगाना है। ध्यान रखिएगा आपके बाल साफ होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए। तो अपने साफ बालों पर इसको लगाइए, आपने 2 घंटे लगे रहने देना है, सेमी ड्राई रखिएगा। ध्यान रखिएगा पूरा आपने ड्राई नहीं करना है। उसके बाद आपने प्लेन वाटर से वॉश कर लेना है, नेक्स्ट डे आप शैम्पू कर सकते हो। जितना टाइम आप अपने बालों पर इसको डाल के रखोगे ना, और हाँ और इफेक्टिव इसका रिजल्ट चाहते हो तो इसमें काला कत्था भी ऐड कर दीजिएगा,
बहुत ही प्यारा डार्क एंड कलर आएगा आपके बालों पर। दोस्तों कितनी इजी रेमेडी है, कितने अच्छे से बन जाती है और आपके बालों के ऊपर ये रिजल्ट भी देती है। और हाँ, अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई सजेशन चाहती हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आपके साथ में अब एक टिप्स शेयर कर देती हूँ। देखिए, अगर आपके बालों की टूटने की चढ़ने की बहुत प्रॉब्लम है ना, तो सिंपली आपने रात को अपने बालों को टाई कर लेना है, यानी कि उसकी छोटी बना लेनी है। ध्यान रखिएगा, बन नहीं बनाना है, आपने छोटी बनानी है, टाई करना है उसको। उसके बाद आपने सोना है। कभी बाल आप अपने सोते हुए खुले मत रखा कीजिए, जिससे कि आपको लगता है कि हाँ मेरे बालों को रिलैक्स मिलेगा, बट आपके बाल टूटते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है, जो इस्तेमाल कीजिएगा और अपना भरपूर प्यार इस वीडियो को जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे न्यू अच्छी अट्रैक्टिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।